गुड मॉर्निंग एवरी वन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर टू अटेंड दिस इन हाउस ट्रेनिंग ऑन द टॉपिक ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मीन्स 2020। ओके, आई एम वेरी प्लीज टू बी हियर अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ आवर प्रिंसिपल सर एंड स्कूल मैनेजमेंट। Before starting the proceeding, let me tell you few words about me. I am Prashant Jha, science faculty at this school, Paramanand Public School, Surwal, Jeeradeel. Okay. I am assistant teacher of science. As you can see on the board, we are going to discuss National Education Policy 2020. Before this, I want to tell a line actually. The line is in Hindi. वक्त वक्त पर खुद से बदलाव जरूरी है, वक्त वक्त पर खुद में बदलाव जरूरी है, तब जाकर जिंदगी का दौर बदलता है। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ चेंज करना है तो हमें हर टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई दिस इज नीडेड। हम लोग बहुत दिन से एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। उस चेंज के लिए, उस पर्टिकुलर चेंज के लिए वी आर हैविंग दिस एनईपी। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंगिंग चेंज विल गेट बेटर बाय चांस, नॉट बाय चांस बट बाय चेंज, नॉट बाय चांस बट बाय चेंज। ये चीजें बाय चांस नहीं होगी। ये आजकल का ऐसा बात है कि हमने कल किया था इसको आज कर दिया, इसमें टाइम लगा बहुत ज्यादा। तो इट इज नॉट चेंज बाय चांस बट बाय चेंज। एंड वी आर द विटनेस, वी टीचर आर द विटनेस, वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री। इसके पहले जो पॉलिसी था वी आर नॉट नोन एक्चुअली, बट ये जो पॉलिसी है उसको हम लोग जान पाएंगे। ओके, वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री, वी आर द विटनेसेस क्रिएटिंग हिस्ट्री बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटिंग इट बाय अ राइट स्पिरिट। खाली पढ़ने से नहीं काम चलेगा, इसको इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, और वो भी राइट स्पिरिट के साथ, इंथुसियाजम के साथ। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, तीन प्रिंसिपल आएंगे। वो कौन से हैं? ऐसे प्रिंसिपल तो बहुत सारे हैं, बट अगर मैं इसको सूक्ष्म मतलब ब्रीफ में कहूँ तो इसमें पहला है थ्री आईज, ABCD होता है ना, उसका ये आई लेटर। ओके, थ्री आई मीन्स द फर्स्ट आई इज इंटेंड फॉर एवरी कॉज। किसी भी कॉज के लिए, फॉर एवरी कॉज वी नीड टू अ पॉजिटिव इंटेंट, टू अंडरस्टैंड, टू गेट नॉलेज, टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, वी हैव टू शो सम इंटेंट। तो ये पहला जो आई है ये इंटेंट है। द सेकेंड आई इज इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट वॉट एवर वी आर लर्निंग वी हैव टू इंप्लीमेंट। अगर हम कुछ सीखते तो उसको इंप्लीमेंट करके ज्यादा सीख सकते हैं। दैट इज वाई दिस पॉलिसी कंसर्न मोस्ट इंप्लीमेंट एक्चुअली। एंड थर्ड आई इज इंपैक्ट मीन्स अफेक्ट, इफेक्ट। इस पॉलिसी का क्या इंपैक्ट होने वाला है वो हम इसको देखेंगे। अगेन दिस होल ट्रेनिंग कंसर्न थ्री सीज ऑल्सो, हियर इज थ्री आईज, इंटेंड, इंप्लीमेंट एंड इंपैक्ट। इंपैक्ट ऑन होम, ऑन विच, ऑन सोसाइटी, ऑन इन्वायरमेंट, ऑन स्टूडेंट्स, जो ट्रांसफॉर्म करेंगे इस वर्ल्ड को। हम तो पढ़ा रहे बच्चों को ही ना, जो हमारे बच्चे हैं 1 से लेकर 12 उनको सिखा रहे हो। तो बेसिक थिंग इज हाउ वी कैन चेंज, हाउ वी कैन रिफॉर्म, हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म द आवर स्टूडेंट्स एक्चुअली। दैट इज वाई दिस आई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज
three C's actually. And first C is here, communication. First is your communication. Whenever we are going to somewhere where to some English bolna hai, Hindi bolna hai, usme hum log confused ho jate. Ye jo policy aayi hai, this policy emphasize on local languages. Ye jo ye policy hamara hai na, isme kisi particular language ka koi aisa you can't say ki nahi ye hona chahiye. To isme communication ka sabse bada role hai. Second C is The second C is collaboration. 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 Collaboration is what? The teacher and student collaboration. As we are moving towards new policy, it means it mix up with the relation between student and the teacher must be decent actually. Okay. The collaboration hona in between teachers and our students is very very important. Last C is critical ya create keh sakte isko. Whatever we are learning jo hum seekhte hai na usko kaise apne implement kaise create kar sakte hai cheezon ko samajhne ke liye that C is there. Before starting, these are the basics of this policy actually. We are having some another, you can say abbreviation, but for now, these are very important. Okay. Now, moving towards our NEP. Iska background kya tha? What was the background? Agar hum yahan baithe hain, to iska background jana padega hame. Hum kyun baithe hain yahan? Why we are here? तो बैकग्राउंड क्या है इसका वी वेर हैविंग एक्चुअली द ओल्ड पॉलिसी 1986 वो 1986 का था तो काफी टाइम हो गया उसको चेंज करने के लिए तो रिप्लेस किया गया एनईपी 1986 रिप्लेस बाय दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन जनवरी 2015 इसमें एक लोग नहीं थे देयर मेनी न्यूमेरस You can say wisdom, वो जो हमारे जिन्होंने इसको किया है दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली एंड वन ऑफ देम इज फ्रॉम इसरो और आप जानते हैं इसरो इज वॉट इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिस काम में इसरो लग जाता है वो उसके अलग ही लिमिट है तो इस NEP का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है द ड्राफ्ट मेड बाई एन इसरो पर्सन एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन हु इज द चीफ ऑफ दिस इसरो ओके इस ड्राफ्ट में द ड्राफ्ट कंटेन्स 484 पेजेस एक दो पेज की बात नहीं आप सोच सकते 484 कितने बड़ा होगा तो इस ड्राफ्ट में हाउ मेनी कंसर्न इश्यूज आर देयर यू जस्ट कांट इमेजिन एक्चुअली देर आर 484 पेजेस इन दिस ड्राफ्ट And the draft was proposed by this man, ISRO, chief of ISRO, that is Krishna Swami Kasturi Rangan. ऐसे ही नहीं हो गया है कि हाँ हमने छड़ी घुमाया और ये आ गया. The thing is, इसके पीछे 2.5 lakhs, more than 2.5 lakhs of suggestion were come. इसको बनाने के लिए हमारे कम से कम 2.5 lakh ज्यादा suggestion आया था. एक दो से काम नहीं चला. कितने से? तो अगर हम आज जिन्हें जीके की बात करें तो आपको बता जीके में क्या है हमारे पास मोर देन 2.5 लाख सजेशन इज वेलकम्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट 2.5 lakhs सजेशन आया भाई चेंज करो इस पुराने वाले किसको पॉलिसी को ठीक है कैसे कैसे आया हाउ इट इज कम 6600 ब्लॉक्स हमारे देश में है 6000 अर्बन लोकल बॉडीज 6000
अर्बन लोकल बॉडीज, सिक्स डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स एंड 6,000 अर्बन लोकल बॉडीज, आफ्टर दैट 6,776 डिस्ट्रिक्ट्स, 6,776 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। इतने इसको ड्राफ्ट करने के लिए, इसको तैयार करने के लिए इतना सारा सजेशन हमें यहां यहां से पर्टिकुलर प्लेसेस से वी आर गेटिंग फ्रॉम ब्लॉक्स, बिल्कुल बेस लेवल से फाउंडेशन में चालू किया गया था इसको। इसमें पंचायत भी इन्वॉल्व है ना, ग्राम पंचायत, वो कौन सा है उनका नंबर बताऊं आपको तो आप डर जाएंगे। मोर देन 2 लैक्स ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत इतना, दीज आर द इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ, दीज आर द मेन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द सजेशन वेयर दिस एनईपी कम्स, वहां से ये जो आप हम सीख रहे हैं अभी है ना, तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे तब जाकर के ये नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज नाउ केम इन टू द एग्जिस्टेंस। ओके, दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस NEP। इतना ही नहीं, दीज आर द बेसिक ब्लॉक्स ग्राम पंचायत इज स्टार्ट सर। ओके, दिस इज नॉट ओनली दिस, वी आर हैविंग सम डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑल्सो, इसमें कुछ यूनिवर्सिटी शामिल थे, वो थे असम का था तेजपुर यूनिवर्सिटी, समाईटीज, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड BITS पिलानी। मीन्स यू कैन इवन इमेजिन कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, इतने वी आर गेटिंग सजेशन फ्रॉम दिस ब्लॉक्स, ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट, बट स्टिल वी आर मैनेजिंग फ्रॉम वेयर, BITS पिलानी, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कंट्री, एंड सेकेंड इज असम का तेजपुर यूनिवर्सिटी, थर्ड इज यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला एंड जामिया। Nevertheless, जामिया इज द बेसिक पिलर ऑफ दिस कंट्री एक्चुअली, जामिया को छोड़ना ठीक नहीं है, तो जामिया का भी इसमें रोल था। तो दीज आर द बेसिक ड्राफ्टिंग रोल फॉर दिस NEP। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट सेट ऑफ पेज, बिफोर आई मूव इन टू दिस टॉपिक आई लेट मी रिमाइंड यू सम हिस्ट्री। ओके, द हिस्ट्री इज द चेंज इज नॉट डन इन अ मोमेंट। ओके, as you know, first education policy came in 1948 and the name is Radha Krishnan Commission. It is also known as University Commission. Radha Krishnan Commission is also known as University Commission. It was followed by Mudaliar Commission in 1952. This is known as secondary Education Commission. There are 2 commissions are there. First is Radha Krishnan and second is Mudaliar Commission of, which was set up in 23rd September 1952. Next, the third is Kothari Commission in 1966. After that, we have our old education policy, that is jo aaya tha 1986 mein. Which is eradicated by this government and we are studying this. Okay, इसके पीछे एक बड़ा गैप हो गया 1968 से 1986 में, बड़ा गैप हो गया, उसको फिल करने के लिए एक दो पॉलिसी और भी आई थी 2005 में। ओके, आफ्टर दैट द लेटेस्ट पॉलिसी इज what we are having today. Okay, now to understand the policy, before I should go in depth of the policy, main is policy ke depth mein jaane se pehle kya karna chahunga, apna ancient history bataunga aapko usme kya hota tha. To in ancient history, since India is a treasure of, you can say, purana hamara itna acha hai ki usko bata pana mushkil hai, hamara jo past hai. तो इन एंशिएंट टाइम देयर वाज गुरुकुला, गुरुकुल
गुरुकुल मकतब्स मदरसास वेयर द स्टूडेंट्स यूज टू टॉट मदरसास गुरुकुल्स मकतब्स दीज आर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेयर द बेसिक प्रिंसिपल इज टू स्टडी वेदास कुरान्स अदर होली बुक्स ओनली द टारगेट इज दिस द स्टडी ऑफ दिस टारगेट ऑफ द स्टडी इज टू इम्प्रूव योर यू कैन से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नैतिक मूल्यों को सिखाना है इसमें बट दिस टाइम दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज मच मोर नीडेड फॉर यू नो जॉब पर्पसेज एक्चुअली जब आफ्टर दैट दिस गुरुकुला सिस्टम वैनिशेड आफ्टर दैट वर्णा स्पेसिफिक एजुकेशन केम इन टू द एक्जिस्टेंस वर्णा इज वॉट Varna means, I am writing here. Brahmins, Kshatriya, Vaishya and Sudras. Brahmins used to taught only Vedas, means they are the education giver. वो क्या करेंगे खाली education देंगे बस किसकी Vedas, scriptures, other holy books. Kshatriyas there for what? Kshatriyas taught to warfare, knowledge of weapons, smart use of weapons. And Vaishya is for only business. And these Sudras are for manual works, manual skills and vocational skills इनको पढ़ाया जाता है this type of education is I think not good for our society. After that जब ये सिनेरियो बहुत दिन चला नहीं after that when गुप्ता dominates you know very well Gupta Empire is known as golden period of this Indian history actually Gupta period mein education ka bahut zyada development hua kyun at that particular time Buddhists were starting coming here and Buddhists are the main reformers of this country in the field of education Buddhist log jo yahan pe aa gaye to unhone is system ko thoda hata diya unhone kya kaha इफ वैश्या मीन्स मान लीजिए कोई गोल्ड स्मिथ है वो बस गोल्ड का ही काम करेगा ये सिस्टम अब हट गया गोल्ड स्मिथ है या कोई कारपेंटर है वो बस कारपेंटर नहीं अब इन चारों में से वट एवर वी लाइक वी कैन डू जो हमें अच्छा वो कर सकते हैं दिस पीरियड व्हेन गुप्ता एम्पायर इज हियर एट दैट पर्टिकुलर टाइम सम यूनिवर्सिटीज आर ओपनिंग खुल रहे थे उस टाइम उसमें था एक नालंदा यू आई थिंक यू आर अवेयर नालंदा तक्षशिला वेयर मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर वेरी मच स्कॉलर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर वेयर नागार्जुना चाणक्य सुश्रुता चरक बरामिहिर आर्यभट्ट दीज आर द मेन स्कॉलर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम ओके After that, when Islamic invasion starting here, suddenly the education system get abrupt. Okay, but in that particular time, art culture is at the peak. उस time art का जो culture था बहुत peak पे था. ये हमारा एक brief history है इस education policy के लिए. ठीक है. Next moving I am towards the vision of the Vision of this policy actually. Okay. Next, it was followed by colonial. एक बताना बोल गया आपको. After Islamic invasion, there is a British rule who made a great impact on this country in the field of education. They deployed English as a communication language actually. These reforms. This English
reforms very much this system, Israeli system. Okay. Now I am coming towards our the main policy, that is National Education Policy. Here the question is, here why do I tell you this, the history of this particular thing? Because being a teacher, we have to know each and every part of the this system. Previous mein kya hua tha, aane wale mein kya tha, main being a teacher hame ye hona chahiye, theek hai? क्योंकि ये चीज़ें डिजाइन किया गया है मेनली जो भी प्रीवियस हमारे पास है उसको देखते हुए रखा गया है, ठीक है? नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स माय मेन पॉइंट, दैट इज एनईपी 2020. दिस सिस्टम कंप्राइजेस 5+4+3+3. अब क्या है, before this policy we are having the age group between 6 to 16, after that 16 to 18. Pehle system tha 10+2 wala, first we have to clear 10th and then eligible to have admission in 11th and 12th. Means the education policy, the education system is 6 to 16 and 16 to 18 years. But now this policy remove that particular previous one and set a 5+3+3+4 स्कीम. अब बच्चे क्या करेंगे, ये हो गया कुछ इसका नाम स्टेज में दिया गया, ये हो गया प्री प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज, स्कूल एंड हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्राइमरी और ये प्री प्राइमरी. इसमें कुछ क्रिटिसिज्म होने लगे क्योंकि हमारे स्कूल में क्या है, हमारे इस कंट्री में 3 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी वाले जो है उनको पढ़ाते हैं, तो आंगनवाड़ी सिस्टम में ये ठीक से बैठ नहीं पा रहा है. बस एक ही इसकी अगर मैं बात करूँ एक डिमेरिट्स की अकॉर्डिंग टू मी, तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहा है किस पे, आंगनवाड़ी जो होते हैं आंगनवाड़ी पर्सन उनके पास, क्योंकि इनके यहाँ बच्चे 3 साल के होते हैं, ठीक है? तो ये जो सिस्टम बना 5+3+3+4, ये ऐसे आया. पहला है फाउंडेशन स्टेज, फिर इसका टाइम क्या है, 3 ईयर्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल, सबको हर एक बच्चे को इसका 3 साल करना पड़ेगा. आफ्टर दैट 2 ईयर्स ऑफ क्लास 1 एंड 2, क्लास 1 एंड 2 इज 2 ईयर्स एंड प्री प्राइमरी स्टेज इज 3 ईयर्स. आफ्टर दैट प्री प्राइमरी स्टेज 3 ईयर्स, क्लासेस 3 टू 5 इसको बोलेंगे प्री प्रिपरेटरी स्टेज, ओके? आफ्टर दैट मिडिल स्टेज 3 ईयर्स, 6 टू 8 क्लास तक इसको देखना पड़ेगा. सेकेंडरी स्टेज क्या है, 9 टू 12 के लिए ये 4, 9, 10, 11, 12, ओके? जैसे मैं पहले ही कहा कि कुछ इसके क्रिटिसिज्म होने लगे आंगनवाड़ी के लिए, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, 10+2, तो उनकी क्वालिफिकेशन 10+2 नहीं दिया जाए, बट उनको ट्रेनिंग दिया जाए, 6 महीने की ट्रेनिंग, या द ट्रेनिंग कवर्स ऑलमोस्ट 1 ईयर, ओके? सो एंड दीज आर इन डिजिटल मोड, वो चाहे तो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकती हैं या कर सकते जो पढ़ाते होंगे उनका, ठीक है? चैनल प्रोवाइड्स बाय DTH, ऑनलाइन वीडियोस, डिजिटल क्लासेस, CBC लर्निंग ट्रेनिंग, ये सब इस आंगनवाड़ी जो बच्चे 3 साल के 3 साल तक उनके लिए किया गया. सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड्स हमने सीखा यहाँ 9, 10, 11, 12. वेयर इज द बोर्ड? एक्चुअली बोर्ड अब न्यू फॉर्म में आ गया. बोर्ड एग्जाम्स फॉर ग्रेड 10 एंड 12 विल बी कंटिन्यूड, होंगे, बट दे विल बी लो स्टेक, उसका वैल्यू अब कम है.
हमारे में एंजाइटी होती थी कि 10th पास करना है, 10th पास करना है, मैथ में वी आर गेटिंग पुअर, मैथ में ऐसा है, साइंस में वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर मार्क्स, वो सब अब बच्चे की एंजाइटी जो है वो खत्म धीरे धीरे हो सकती है, क्योंकि उसको एक प्रेशर अब नहीं पड़ने वाला है, सीधा वो 9th 10th 11th 12th ऐसा कोई खास बैरियर नहीं है वहाँ पर. स्टूडेंट्स विल बी गिवन अ सेकेंड चांस टू क्लियर देयर बोर्ड्स, मीन्स बोर्ड अब दोबारा होंगे, उसमें अगर आपका रिजल्ट फर्स्ट में नहीं हुआ तो आप उसमें इम्प्रूव करने के लिए दोबारा दे सकते हैं. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू चूज मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड द लेवल इन विच दे आर टेक बोर्ड एग्जाम. बहुत सारा सब्जेक्ट चुन सकते हैं. अभी अभी इसी साल की बात है, इन मैथमेटिक्स देर आर टू सेपरेशन, फर्स्ट इज बेसिक एंड सेकेंड इज स्टैंडर्ड. दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स दे मस्ट चूज बेसिक. जिनको फोटोग्राफर बनना है, जिनको कुछ नहीं करना है, जिनको दुकान चलानी है, उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ कोई ऐसा कोई खास यूज नहीं है. तो जो एंजाइटी क्रिएट ना हो, घबराहट ना हो, जिससे कि सुसाइड केस बहुत ज़्यादा होने लगे थे वो कम हो जाए, उसके लिए सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा कम किया गया. इसके एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा यही है कि बच्चों की जो मोरल वैल्यू है वो डाउन हो रही थी, उसको आप ठीक कर सकते हैं, सुसाइड्स केस कम हो जाएंगे, ठीक है, एंजाइटी घबराहट कम होगी बोर्ड्स की. इसको एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं. टेंथ में मान लेते हैं जो कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर है, मैथ में बेसिकली बहुत बच्चे कमज़ोर ही रहते हैं, तो अगर उनको अपना करियर कहीं और बनाना है, उनका करियर मान लीजिए किसी कंपनी में कुछ और चलाने का है, तो उनको मैथ का वैसा कोई ज़रूरत नहीं है, या इवन साइंस की भी नहीं, तो वो अपना उसमें थोड़ा सा कम ध्यान देकर उसको नंबर जो जिसमें वो तेज है, जिसमें वो एक्टिव है, उसका उसको देख करके उसका हम लोग रिजल्ट बना सकते हैं, उसका असेसमेंट तैयार कर सकते हैं. बट पहला वाला क्या था, प्रीवियस वन इज मोस्ट रिलाई ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स. ओके, पहले बच्चे क्या थे कि टेंथ में के बाद डायलेमा था, इलेवेंथ में क्या चुने, ट्वेल्थ में क्या लें, हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी क्या पढ़े उसको, है ना, वो डायलेमा वाली सिचुएशन अब नहीं रही है, ठीक है. अब सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट क्या है, दोज वो आर ऑप्टिंग साइंस दे मस्ट हैव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसा कुछ नहीं है, वो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री के साथ वो हिस्ट्री पढ़ सकता है. अगर कोई बच्चा चाहे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हिस्ट्री वो भी पढ़ सकता है. और सबसे बड़ी बात क्या है, फिजिक्स इज वेरी वेरी टफ आई थिंक एक्चुअली, तो फिजिक्स इसको नहीं चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लो, केमिस्ट्री में हिस्ट्री, तो वी आर हैविंग अ यू कैन से ब्रॉड एरिया ऑफ सब्जेक्ट एक्चुअली. तो मैथ में पढ़ना है तो आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड सेपरेशन रूल वाला बात नहीं है. मीन्स इसको अगर एक बात कहें तो देर विल बी नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स इन 11th एंड 12th. द बेसिक एम्फेसिस इज ऑन को करिकुलर एक्टिविटी अमंग आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड साइंस. को जैसे पहले स्पोर्ट्स की वैल्यू इतनी नहीं थी, बट इन दिस एजुकेशन पॉलिसी स्पोर्ट्स इज वेरी मच कंसिडर्ड एज अ पेपर एज अ सब्जेक्ट. स्पोर्ट्स करिकुलम एक्टिविटीज आर्ट्स कॉमर्स टीटे एट द सेम लेवल, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि साइंस है तो ऐसा, मैथ है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अब ईच एंड एवरी सब्जेक्ट सबका ट्रीटमेंट एक ही है. असेसमेंट गेट इजी, इस एजुकेशन पॉलिसी से क्या होगा, असेसमेंट गेट इजी कैसे, पीयर ग्रुप अगर कोई बच्चा क्लास में है तो वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो अपने बच्चे को भी एक असेसमेंट कर सकता है, सेम पीयर ग्रुप वाले, और टीचर्स भी इसी अकॉर्डिंग अब वो करेंगे असेसमेंट. बच्चा क्या सोचता है, कुछ उसमें कंसेप्ट का अलग तरह का बात है, कुछ वो अलग सोचता है, तो उस पर आप उसका असेसमेंट कर सकते हैं. ये कह रहा है नया एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. स्किल्स सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द मेन थिंग दैट विल टॉट इन द स्कूल. दीज आर द बेसिक, दीज आर द मेन थिंग्स दैट दिस एनपी हैव. ओके, द क्वेश्चन इज चेंज इन पैटर्न बाय व्हेन, ये चेंज कब से होगा. द मोर लाइकली ये इसी साल होने वाला था बट इस साल अब नहीं हो पा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस चेंज विल टेक प्लेस इन 2023 मीन्स 2023 मोस्ट प्रोबेबली. ओके, एग्जाम्स आर ऑन न्यू पैटर्न. द स्कूल करिकुलम ओवरहॉल विल कम इन द शेप ऑफ अ न्यू नेशनल करिकुलर
framework for school, which will be undertaken by the National Council of Education, Research and Training. और एनसीईआरटी ने इस पर काम करना चालू भी कर दिया है, पिछले एक दो सालों से काम हो रहा है इस पर. मे बी इन नेक्स्ट वन और टू ईयर्स वी आर हैविंग सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसमेंट. ओके, प्रोविजंस, इसके क्या प्रोविजंस हैं. द एनईपी 2020 इनैक्ट्स न्यूमेरस चेंज इन इंडिया एजुकेशन पॉलिसी. इट्स एम टू इंक्रीज स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फ्रॉम अराउंड 3-6% ऑफ द जीडीपी एज़ सून एज़ पॉसिबल, विच इज आई थिंक मे नॉट बी पॉसिबल. वी आर एबल टू बट द गवर्नमेंट वॉज आई डोंट थिंक ऐसा कर पाएंगे. 6% ऑफ जीडीपी इज मस्ट फॉर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. द चेंजेस एंड ऑब्जेक्टिव आर, पहला चेंज है लैंग्वेज का. इस एनईपी में लैंग्वेज का क्या रोल है. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ मदर टंग और लोकल लैंग्वेजेस. इस एनईपी में मदर टंग और लोकल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है. देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू स्पीक इंग्लिश ओनली, अदरवाइज वी आर हम लोग मिस्टर दिन इंग्लिश बोलेंगे तो अच्छा हो जाएंगे, ऐसा इसमें अब नहीं रहा. मोस्ट एज अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट प्रोफिशियंट थिंकिंग इज हियर फोकस्ड ऑन लोकल लैंग्वेजेस एंड मदर टंग. टिल क्लास 5 वी हैव टू यूज लोकल लैंग्वेजेस. ओके, while recommending its continuance till class 8 and beyond, Sanskrit and foreign languages will also be given emphasis. The policy recommends that all students will learn 3 languages in their school under the formula. At least 2 of the 3 languages should be native to India. Isme se 2 se 3 language, agar we are having 22 languages, ओके, हमारे देश में 22 लैंग्वेज को कॉन्शियसली अधिकार प्राप्त है, तो कम से कम 2-3 लैंग्वेज इसमें अपना इंडिया का होना चाहिए. इट मे बी हिंदी, वट एवर द लैंग्वेज आर. शॉर्टली आफ्टर द रिलीज ऑफ द पॉलिसी द गवर्नमेंट क्लेरिफाइड दैट द लैंग्वेज पॉलिसी इन एनईपी इज अ ब्रॉड गाइडलाइन एंड इट वॉज अप टू द स्टेट्स इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल्स टू डिसाइड द इम्प्लीमेंटेशन. Since education is a concern of concurrent list, education system जो वो concurrent list का part है, so इस पर राज्य सरकार, state government और central government दोनों law बना सकती है, तो we can't compel anyone. Okay. A more detailed language strategy would be released in the national curriculum framework. Note also made that there were already institutions which had implemented the languages policy 60 years ago, such as Sardar Patel Vidyalaya. Both the education policy of 1986 and the Right to Education Act 2009 promoted uses of the mother tongue too as an advisory guideline. Now the time is school education. Focus on foundational literacy and numeracy. The policy accords the highest priority to achieving foundational literacy and numeracy by all students by grade 3. The policy states the highest priority of the education system will be achieve universal foundational literacy and numeracy in primary school by 2025. The rest of this policy will become relevant for our students only if this basic learning requirement, that is reading, writing and arithmetic at the school level. The 10+2 structure will be replaced
with 5 + 3 + 3 + 4 as I earlier said. Second is higher education. After school education is higher education. Higher education. It proposes a 4-year multidisciplinary bachelor's degree in an undergraduate program with multiple exit options. These will include professional and vocational areas and will be the implemented as follow. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग. एक किसी कैंडिडेट ने एडमिशन लिया अपने कॉलेज में एंड दैट पर्टिकुलर कॉलेज इज अ 4-year डिग्री कोर्स. ओके, उसके पास 4 साल का कोर्स है बैचलर का. इफ एनी हाउ और एनी सर्कमस्टांसेस वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर 4-year, किसी बच्चे ने केवल 1 साल ही किया या किसी ने 2 साल किया 2 years फिर 3 years या 4 years, तो उसको अगर किसी बच्चे ने 1 साल में वहाँ किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाया तो उसे उस 1 साल की सर्टिफिकेट डिग्री दी जाएगी और उस डिग्री का यूज़ वो अगर वो चाहे तो कभी भी अपने लाइफ में किसी भी कॉलेज आके पढ़ सकता है. उसको एक मूवी आई थी मैं हूँ ना, उसमें शाहरुख खान था अपने जब वो पढ़ने आया था तो उसने 1 साल का कोर्स किया हुआ था. जब वो उस कॉलेज पढ़ने आया था 10 साल बाद तो उसको एडमिशन वहाँ नहीं लिया गया. इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए इस गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी ने इसका इस पर ज़्यादा जोर दिया. तो अगर किसी ने अगर फर्स्ट ईयर का कोर्स किया तो उसको अगर वो 10 साल बाद ही जाता है तो उसको उसके आगे की पढ़ाई वो कंटिन्यू कर सकता है. 2 साल का है तो उसको 2 years डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का है तो उसको अलग. इससे क्या फ़ायदा हो रहा था, क्रेडिट्स स्कोर ठीक हो रहा था. हर पेपर पे एक क्रेडिट स्कोर होता है, तो हमने अगर मान लीजिए 40 क्रेडिट का कोर्स होता है बैचलर का 4 साल वाला, तो उसमें हम अगर हमने 1 साल ही किया तो उसको 10 क्रेडिट पॉइंट मिल जाएंगे और वो चाहे तो कभी भी सेम कॉलेज में या फिर दूसरे कॉलेज में भी उसको वो पढ़ सकता है. ठीक है, ये था इस हायर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल. एज आई से सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year ऑफ स्टडी, a diploma after completing 2 years of study, a bachelor's degree is completing a 3 years program, and a 4-year multidisciplinary bachelor's degree the preferred option. अगर हमने ये चुना था तो हमें ये मिलेगा. MPhil master of philosophy courses are to be discontinued, इसे हटा दिया गया. To align degree education with how it is Western model, a higher education of India, that is abbreviated as HECI, Higher Education Commission of India, will be set up to regulate higher education. The council's goal will be to increase gross enrollment ratio. Gross एनरोलमेंट रेशियो क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, आई एम कंसिडरिंग अ डिस्ट्रिक्ट. ओके, एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है, अ डिस्ट्रिक्ट, इन अ डिस्ट्रिक्ट देयर आर 1000 candidates. ओके, 1000 candidates of age 3 years. The admission we are having 900 admission in a particular district. 900 admission. अगर उस डिस्ट्रिक्ट में 1000 बच्चे हैं और वो स्कूल के अंदर इनरोल हो रहे हैं 900, इसका मतलब क्या है कि 100 बच्चे नहीं हो पाए तो 90% ही बच्चे हो पाए एडमिट. दिस जी आर इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन द स्कूल इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. दिस मीन्स if a district have more than at least 1000 candidates of age 3 and 900 bachche ne liya, it means the percentage is
90, इसको बढ़ा करके 100 करना है, इस पॉलिसी में इसको बढ़ा कितना करना है, 100% फाउंडेशन लेवल पे, इसी तरह कॉलेज लेवल पे होगा। तो ये आकर के धीरे धीरे 10th तक तो ठीक है, आफ्टर 10th दिस GER मीन्स ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बिकम्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस अप टू 50%। 11th 12th में आकर के ये जो रेशियो हो रहा है 50% हो जा रहा है। इसको भी करके हमें कम से कम 100 पे ले जाना इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। दिस GER ऑफ 11th 12th हमें इसको 100 पे ले जाना है। उसके बाद फिर है कॉलेज एजुकेशन या हायर जो बोलते हैं उसको, ये भी करेंट चल रहा है 26% 26.5। टारगेट इज टू अचीव एटलीस्ट 50% फॉर दिस पीरियड, दिस कॉलेज सिस्टम द टारगेट इज टू अचीव मोर देन 50%। फाउंडेशन स्टेज में 100% उस 11th 12th के लिए 100%, और दिस अगर ये कॉलेज में कोई बच्चा अभी जो करेंट रेशियो है सिर्फ 26.5 का, उसको कितना कर देना है, 50% करना है। ये इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेट अप टू रेगुलेट द हायर एजुकेशन। द काउंसिल्स गोल विल बी टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। द HECI विल हैव 4 वर्टिकल्स, इसके लिए 4 वर्टिकल्स क्या है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल टू रेगुलेट हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन वाइल एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC, अमेटा एक्रेडिटिंग बॉडी, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC टू फॉर फंडिंग एंड फिनांसिंग फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। दिस विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर हायर एजुकेशन। अदर चेंजेस, और क्या चेंज किया गया इसमें, अंडर NEP 2020 न्यूमरस न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बॉडीज एंड कॉन्सेप्ट्स हैव बीन गिवन लेजिस्लेटिव परमिशन टू बी फॉर्म। दीज इंक्लूड, अगर हमें उसको बढ़ा करके 50 पर ले जाना है तो वी नीड डबल ऑफ द कॉलेज, जो रेस्ट अमाउंट में कॉलेज भी हैं, वी नीड डबल ऑफ द कॉलेजेस फॉर मेकिंग दिस अप टू 50%। इसके लिए हमें डबल कॉलेज चाहिए, उसके लिए कुछ किया गया। नेशनल एजुकेशन कमीशन हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो मैं बात कर रहा था ना, अगर कोई बच्चा पास करता है तो उसको 10 नंबर जो मिलेंगे वही है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसको बोलते हैं हम लोग एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अ डिजिटल स्टोरेज ऑफ क्रेडिट्स अर्न टू हेल्प रिज्यूम एजुकेशन बाय यूटिलाइजिंग क्रेडिट्स फॉर फर्दर एजुकेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू इम्प्रूव रिसर्च एंड इनोवेशन। स्पेशल एजुकेशन जोन्स टू फोकस ऑन द एजुकेशन ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप इन द डिसएडवांटेज रीजन्स। जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर असिस्टिंग द नेशन इन द एजुकेशन ऑफ फीमेल एंड ट्रांसजेंडर चिल्ड्रेन। जो बच्चे बिल्कुल शार्प हैं उनकी तो बात इसमें है ही, दिव्यांगजन, थर्ड ट्रांसजेंडर्स एंड फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के लिए इसमें अलग से बहुत सारी चीज रखी गई है। जो भी पहले वाला सिस्टम था वो जो फिजिकली चैलेंज बच्चे उनके लिए नहीं था, लेकिन ये जो पॉलिसी बनी है इसमें दिव्यांगजन का रोल, जो बच्चे फिजिकली चैलेंज उनके लिए भी प्रॉपर स्पेस है इस पॉलिसी में। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम अ प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन टेक्नोलॉजी यूज टू इम्प्रूव लर्निंग। द पॉलिसी टारगेट ऑफ दिस NEP अचीव यूनिवर्सल फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025। द फर्स्ट इज स्टूडेंट टीचर रेशियो। इन दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज वी हैव टू
30:1 is the ratio towards teacher and students. Means there is one teacher control 30 students. पहले क्या था कि teachers बहुत सारे पढ़े तो उनके उनके साथ problem बच्चों के साथ भी थी. We can't focus each and every one. But if there is 30 candidate, a particular teacher is more easy to उनके problem को solve करने में ज़्यादा easy रहे, है ना. बच्चे भी आराम से कुछ भी question को होगा वो पूछ सकते हैं. तो द रेशियो ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इज 30:1. इंक्रीज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग काउंटिंग अर्थमेटिक एंड मैथमेटिकल थिंकिंग. ये फोकस रहेगा इस एनईपी का, रीडिंग राइटिंग थिंकिंग एंड स्पीकिंग. अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज विल बी मेड अवेलेबल ऑन दीक्षा. दीक्षा ऐप पे ये ऑलरेडी स्टार्ट है. वेर एवर यू वॉन्ट यू कैन गो ऑन दीक्षा ऐप, यू कैन सी, यू कैन गेट योर वट एवर यू वॉन्ट. एक्चुअली कुछ टारगेट सेट किए गए थे जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे इस पॉलिसी में इस एजुकेशन को डबल करके 50 करना है कॉलेज वाले. अ पर्टिकुलर लाइन इज आई एम reading wherever possible the medium of instruction, the wherever possible the medium instruction is grade 5 is local language, but preferably till grade and beyond will be the home language, mother tongue, local language or the regional languages. Okay, next is technology in education. What sort of technology we are going to use that contains teaching, learning, assessment, education planning, digital India campaign, administration and management, regulation through public disclosures. These things are controlled by the unit that the name is National Education Technology Forum. National Education Technology Forum, NETF. Its first point is MOOCs. ये क्या है? Opening of online courses. Massive opening of online courses. जो भी आप इतना सारा इसमें course available रहेगा कि आप वहां से भी सीख सकते हैं. Massive opening of online courses, MOOC. Second is Divyangjan friendly education softwares. Third, e-content in various languages. To meet 21st century challenges of virtual labs and online assessment and examination without using technology, बिना टेक्नोलॉजी के बिना ये आजकल जो शिक्षा हो रही है एजुकेशन में हम उसका नहीं कर सकते. सो वी हैव टू फॉलो न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू टूल्स. ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वाट आर द प्रोसेस ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट. As we are having now, B.Ed candidates to teach in a school. The teacher must be the center of the fundamental reforms in the education system. किसी भी education reform में teacher main foundation होता है. How can recruit the teachers? The process are the new education policy must help re-establish teachers' value. जो value teachers का खत्म हो रहा था इसमें एक सेंटर पॉइंट किसको रखा गया है? टीचर्स का. एट ऑल लेवल्स, किसी भी लेवल पे. आजकल जो भी सोसाइटी में था कि बच्चों के साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा था, टीचर्स का वैल्यू थोड़ा सा ग्रेजुअली कम हो रहा था. इसको सेंटर रखते हुए इस एनईपी में ये बातें कही गई. क्या है? एज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड एसेंशियल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी, टीचर्स आर द मोस्ट एसेंशियल एंड रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी because they truly shape our next generation of citizens. Teacher eligibility tests will be strengthened to inculcate better test material, both in terms of content and pedagogy. जो TET पहले हो रहा था उसमें क्या जोड़ा गया है? Content and pedagogy. The TETs will also be extended to cover teachers across all stages. ये जो TET होगा ये सब के लिए वैलिड होगा,
हमें अगर जानना है उसमें फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, हायर एजुकेशन, मिडिल, सेकेंडरी स्कूल ऑफ एजुकेशन. टू गॉज दिस पैशन एंड मोटिवेशन फॉर टीचिंग अ क्लासरूम डिमोन्स्ट्रेट, इसके लिए एक लाइव टीचर रिक्रूटमेंट के बाद एक लाइव इंटरव्यू प्रोसेस होगा, या लाइव उसको कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस, है ना, विच आर हेल्ड इन ईच एंड एवरी स्कूल. इट इज मस्ट. ऑनलाइन इंटरव्यू, लाइव डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस, दीज आर द बेसिक थिंग दैट दैट इन टीचर रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट इज, दीज इंटरव्यूज विड ऑल्सो बी यूज टू एक्सेस कम्फर्ट एंड प्रोफेशियंसी इन टीचिंग इन द लोकल लैंग्वेजेस, सो दैट एवरी स्कूल, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, एटलीस्ट सम टीचर्स हु कैन कन्वर्स विद स्टूडेंट इन द लोकल लैंग्वेज. और ये डिमोन्स्ट्रेशन क्या बच्चे को प्रोवाइड कराया जाएगा कि वो टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो मस्ट हैव क्वालिफाइड similarly through TET, a demonstration interview and knowledge of local languages. I welcome you to ask whatever you want to ask actually. Yes sir, I have a question. Yes sir. That what are major recommendation of NET 2020 and how it is going to have the students especially in terms of competitive examination? As I earlier said, the basic motto of this NEP is to develop the knowledge of student actually. जब पहले कहा कि वो लैंग्वेज का एक बड़ा सा बैरियर है, क्लासेस 1 to 5 तक जो हम सीखते हैं वो परमानेंट हमारे यहाँ स्टोर होता है. दैट इज वाई इफ वी आर हैविंग द लोकल लैंग्वेज इन आवर स्कूल सिस्टम, वट एवर वी द लोकल लैंग्वेज आई कांट से, बट अगर हम क्लास 5 तक उसको सीखते हैं तो हम कोई भी एग्जाम हो वी कैन क्रैक. फॉर बेसिक लेवल वो तो बच्चे का है, हमारे 5 तक का जो सिस्टम है साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, वट एवर द सब्जेक्ट्स आर, तो उसको अगर सीख लेते हैं तो हमारा जो माइंड है ना, हमारे माइंड में लगा हुआ है कि नहीं इंग्लिश आना है, हमें मैथ नहीं आना, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को नहीं सीख पाते हैं. तो जो एक सीखने की जो उम्र है ना वो क्लास 1 to 10 तक है, उसका स्टोरेज बहुत बड़ा होता है. इट मीन्स अगर हम उस टाइम सीख लेते हैं तो हमें हमारा जो प्रोसीडिंग पाथ है वो बहुत इजी हो जाएगा. एम आई राइट सर? ओके ओके. ऑन दैट बिहाफ आई रेस्ट माई दिस वंडरफुल सेशन, आई मस्ट से थैंक यू.